Today we have two topics in this lecture. One is to explain dialectical method, especially with reference to Hegel, and second is our philosophy attempt methodology, that what strategy we should adopt so that we can get maximum marks in philosophy paper. Now, dialectical method is one of the important method which we use in philosophy. Already I have given you the formula of SIDDF, S-I-D-D-F, S-I-D-D-F. SIDDF stands for Socratic, Inductive, Deductive, Dialectical, and Fallibilistic. When you have this formula in your mind, please share this link in SAFE ELC group and other WhatsApp groups and write philosophy class. So we have the formula of SIDDF. When you share it, so please write it here as a comment. Do at least this hard work. Bahut mushkil kaam hai to bhi na karo, agar aasan kaam hai to bhi karo. SIDDF. Remember this formula because this will give you a lot of material to write on this topic. Jab bhi koi topic ho to wahan jo hai fir aapko ye formula zehen mein hoga to kam se kam aap is pe 5-6 sentences likh sakte hain. How to do logic, how to make philosophy, how philosophy works. अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं that philosophy goes according to Socratic method, inductive logic, deductive logic, dialectical method, fallibilistic method. So we have the you have some words in your mouth and pen that you can write. Now, what is basically dialectic? The definition of dialectic, that is discourse method for resolving disagreement by reasoned argument. The exact definition that you have to write in the paper, when there is a question on dialectic method, there is a question on Hegel, and sometimes there is a question compare Socratic method and dialectic method. क्योंकि Socratic method और dialectic method जो है ये मिलते जुलते हैं, तो आपके पास exact definitions आपको याद हो कि भाई ये dialectic है क्या चीज. So dialectic means discourse method for resolving disagreement by reasoned argument. ये आपको याद होता है या आपने इस पर रट्टा लगाना है तो पेपर में लिखने के लिए, फिलॉसफी में के लिए आपके पास कुछ अल्फाज जो है वो रट्टा मस्ट है, ताकि आप कहीं से स्टार्ट तो ले लें. क्योंकि ये तो लोहे के चन्ने जो है वो खाने हैं, ये तो प्योर नॉलेज है, प्योर नॉलेज. बाकी सारी नॉलेज जो है वो तो इंटरप्रिटेशन होता है, कहानियां होती है, एक्सप्लेन आप करते हैं चीजों को, लेकिन ये तो एग्जैक्ट प्योर नॉलेज है, बिल्कुल वो मतलब गोल्ड है. तो गोल्ड को बेच के आप पैसा लेके आप टमाटर प्याज खरीदते हैं तो वो एक आसान सी चीज है. फिलॉसफी तो एग्जैक्ट नॉलेज है, गोल्ड है, इसलिए बहुत हैवी है, बहुत क्वालिटी की चीज है, और इसको एक्सप्लेन करना, पेपर में लिखना जो है ये एक आर्ट है. तो इस वजह से डायलेक्टिक मेथड जो है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप उसको कैसे एग्जाम में कैसे लिखोगे. एग्जाम में आपके पास एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए. अब वैसे तो हमें डायलेक्टिक का पता है कि जी हीगल है तो ये है, थीसिस है, एंटाई थीसिस है, सिंथेसिस है, कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है, लेकिन
फिलासफी में सबसे मुश्किल चीज यह है कि इसको उठा के आपने डालना है उसमें पेपर में, तो पेपर में कैसे डालोगे? तो आपके पास इस तरह के अल्फाज होने चाहिए, डिस्कोर्स मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट बाय रीजन्ड आर्ग्यूमेंट। आप ये प्योर लैंग्वेज है, स्ट्रांग लैंग्वेज, इसके एक एक लफ्ज पे पूरी किताब लिखी जा सकती है और लिखी भी गई है। तो ये बड़ी सॉलिड किस्म की जबान होती है, एक दफा आपको समझ आ जाए तो फिर आपको मजा आता है, क्योंकि फिलासफी जो है वो शैलो लोगों के लिए, हालो लोगों के लिए नहीं है, जो सिर्फ इसलिए लेते हैं कि जी स्कोरिंग है इसमें मेरे मार्क्स आएंगे, तो वो बड़ी मुश्किल में फंसते हैं अगर वो फिलासफी ऑप्ट करते हैं। तो प्लीज राइट दिस सेंटेंस, डिस्कोर्स मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट बाय रीजन्ड आर्ग्यूमेंट। तो डायलेक्टिक जो है ये डिस्कोर्स मेथड है। आप कंसेप्ट अपना क्लियर करें कि ये जो डायरेक्टिक है ये डिस्कोर्स मेथड है। डिस्कोर्स का मतलब है डिस्कशन मेथड है, डिबेट मेथड है। किसके लिए? रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट, कि इसमें हम डिसएग्रीमेंट को रिजॉल्व करते हैं। इख्तिलाफ होता है, डिसएग्रीमेंट हमेशा होती है कि भाई मैं नहीं मानता जी, आप किसी की मुखालिफत करते हैं, कोई और आपका मुखालिफत करता है, तो ये क्या है? डिसएग्रीमेंट है। आप इसको रिजॉल्व कैसे करें, कैसे इसको रिजॉल्व करें? तो रिजॉल्व हम करेंगे बाय रीजन्ड आर्ग्यूमेंट, ऐसी आर्ग्यूमेंट जिसमें रीजनिंग हो, जिसमें लॉजिक हो। एक तो मैं नहीं मानता, जज्बाती है, तुम मेरे इलाके का नहीं हो, तुम मेरे लैंग्वेज के नहीं हो, तुम मेरे कंट्री के नहीं हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम मेरे मजहब के नहीं हो, ठीक है ना? एक बंदा आपके मजहब का है तो जो भी कहते हैं आपको अच्छा लगता है, यार ये ठीक है। अगर कोई गैर मजहब वाला बात करे तो आपको बुरी लगती है, हो सकता है वो ठीक कह रहा हूं, कुछ और फिरके का बंदा है तो वो फिरके वाला बंदा तुम्हें जहर लगता है कि ये क्या है, तो वो रीजन्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है। रीजन्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप करें, आप इम्पार्शल बन जाए, गैर जानिबदार बन जाए और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पे काम करें, तो इसको कहते हैं डायलेक्टिक। तो आपके पास ये अल्फाज होने चाहिए कि डिस्कोर्स मेथड फॉर रिजॉल्विंग डिसएग्रीमेंट बाई रीजन आर्ग्यूमेंट। अब ये आपको रट्टा इस पे लगाना है, कम से कम ये पार्ट तो आप रट्टा लगाए ताकि आपको बेसिक चीज तो पेपर में स्टार्ट तो ले सके, कहीं से स्टार्ट तो ले ले, क्योंकि ये तो केमिस्ट्री नहीं है, ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये कोई ऐसे राइटिंग नहीं है, ये तो एक टेक्निकल चीज है, हाईली सॉलिड चीज है, ये तो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है, तमाम इलम जो है वो फिलासफी से निकली है। तो आप तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? व्हेन देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, व्हेन देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड यू एस्टेब्लिश ट्रुथ बाय लॉजिक, इट इज कॉल्ड डायलेक्टिक। व्हेनेवर देयर आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड यू एस्टेब्लिश ट्रुथ बाय लॉजिक, दिस मेथड इज कॉल्ड डायलेक्टिक, बिकॉज देयर आर नो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स एज इमोशनल अपील और रेटोरिक। आपके सेकेंड पॉइंट क्या है? देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, वी एस्टेब्लिश द ट्रूथ
बाई यूजिंग लॉजिक, दिस इज कॉल्ड डायलेक्टिक। मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ नुक्ते नजर है, आप ट्रुथ तक पहुंचते हैं और आप लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड डायलेक्टिक बिकॉज देयर आर नो सब्जेक्टिव एलिमेंट्स एज इमोशनल अपील और रिटोरिक। इसके मुकाबले में क्या है? सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, दिमाग के अंदर आपके एलिमेंट्स है, सब्जेक्टिव। इमोशनल अपील, आप मेरे खानदान से हो, आप मेरे जबान से हो, आप मेरे मजहब वाले हो, मेरा ख्याल करो, मेरी बात मानो। आपने देखा होगा फेसबुक में आपके इलाके का बंदा है या आपके घर का बंदा है तो आप उसको सपोर्ट करते हो, बेशक गलत क्यों ना हो, और आपको इमोशनल अपील भी करता है। सो रेटोरिक, RHETORIC, रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब क्या है? रेटोरिक का मतलब है फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफर, ईडियम, मतलब गैर लफ्जी बातें करना, अदबी बातें करना, शेर सुनाना, पोएट्री सुनाना, लोगों को मुतासिर करना। तो डायलेक्टिक में ये नहीं होता। अच्छा, इट इज नॉट एरिस्ट, इट इज नाइदर एरिस्टिक नॉर डिडाक्टिक। अब आपने लैंग्वेज किस तरह लिखनी आगे? इट इज नाइदर एरिस्टिक, ERISTIC, इट इज नाइदर एरिस्टिक नॉर इट इज डिडाक्टिक। अब फिलॉसफी सारे टर्मिनोलॉजीज है, टर्म्स, हैवी वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी नहीं आती तो आप फिलॉसफी को कैसे लिखोगे? सो इट इज नाइदर एरिस्टिक, ERISTIC, नॉर इट इज डिडाक्टिक, DIDACTIC, डिडाक्टिक। Eristic means to challenge, to refute, to reject, to argue. Eristic का मतलब है कि भाई खाम खबर दलीलबाजी करो, मुनाजिरे करो, आओ जी करते, हाँ जी आ जाओ, लड़ते हैं, अल्फाज की शक्ल में लड़ना। Didactic ये है टीचिंग, स्पेशली मॉरलिटी, एथिक्स, कि आप लोगों को अखलाकी बनाते हैं जी, या आप दलीलबाजी करते हैं या आप लोगों को सुनाते हैं, अखलाक देते हैं कि जी इस तरह करो तो उस तरह करो, अच्छाई करो, बुराई ना करो, जहन्नम में जाओगे, आग में जलोगे, वो भी एक आर्गुमेंट है। या अरेस्ट किए कि बस खाम खा आप आर्गुमेंट्स करते हैं, खाम खा चैलेंज करते हैं लोगों को, आपका मकसद जो है वो टू एस्टेब्लिश ट्रुथ नहीं होता, आपका मकसद जो है वो सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आप खाम खा बंदे को लताड़ना चाहते हैं कि जी मैं जीत जाऊं ये हार जाए। और डिडाक्टिक ये कि आप लोगों को मीठी मीठी बातें करते हैं ताकि ये तुम्हारे तबलीग में आ जाए और तुम्हारे तुम्हारी बातों में आ जाए और तुम्हारे नजरिए को कबूल करे या तुम्हारे मजहब को कबूल करे, या आप कहते यार ये बंदा अखलाकी बन जाए, तो उसको अखलाकी बनाने के लिए आप उसको टीचिंग करते हैं, लेकिन उसमें फिलॉसफी लॉजिक नहीं होती, ये करोगे तो वो होगा। हो सकता है वो साइंस में इस तरह ना हो, आप किसी को कहते चर्स मत पियो, चर्स बहुत खतरनाक चीज है, ऊपर से कनाडा जो है ना ने लीगल कर दिया, उन्होंने साइंटिफिकली साबित कर दिया कि भाई थोड़े से चर्स का कोई नुकसान नहीं है। तो डिडाक्टिक जो है वो भी इसमें नहीं है, हालांकि बजाय अच्छी चीज लगती है, लेकिन डायलेक्टिक में डिडाक्टिक नहीं है। अच्छा, देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ आइडियाज एंड हीगल यूज दिस कॉन्ट्राडिक्शंस। हीगल जो है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज, अब मेरे जो बातें हैं हो सकते हैं आप लोगों को अच्छी न लगे, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज।
सो हीगल यूज्ड कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आइडियाज एंड पीपल एक्सप्लेन इट थ्रू थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस. ये जो थ्री वर्ड्स है ट्रायड इसको कहते हैं. थीसिस मैं एक बयान देता हूं थीसिस, एंटीथीसिस आप उसको रिजेक्ट करते हैं, सिंथेसिस फिर हम सिंथेसाइज करते हैं किसी नतीजे पे पहुंचते हैं. और ये राइटिंग में भी जबरदस्त चीज है. जब आप राइटिंग करते हैं तो आप थीसिस लिखते हैं, उसके जो मुखालिफ आर्गुमेंट्स है उसको रिजेक्ट करते हैं और आखिर में कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं. तो लेकिन ये इससे पहले जो है ज़ीनो ऑफ सीटियम, ज़ीनो एक फिलासफर गुजरा है, जेड ई एन ओ, दो तीन किस्म की ज़ीनो है. तो उसमें से एक ज़ीनो जो है वो कौन है, ज़ीनो ऑफ सीटियम, सी आई टी ई यू एम सी टी एम. तो ज़ीनो ने इसको इन्वेंट किया था ग्रीक टाइम में, डायरेक्टिक को. बाद में ये सोक्रेटिक मेथड शक्ल में हो गया और फिर जो है प्लेटो ने इसको डायलॉग्स के तौर पर यूज किया, कांट ने इसको यूज किया है. तो ये जो थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस का जो टर्मिनोलॉजी है ये हीगल कहता है कि ये कांट ने यूज किया है. लेकिन बेसिकली ये फिशे एक और फिलासफर है, एफ आई सी एच टी ई. दीज थ्री वर्ड्स वर बेसिकली यूज क्लियरली बाय फिशे, एफ आई सी एच टी ई, एफ आई सी एच टी ई. तो हीगल का जो मेन तरीकाकार है वो क्या है, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन. प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द रिएक्शन, उस प्रॉब्लम का आपका रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन के बाद फिर आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. मतलब आपका प्रॉब्लम ये है, मुझे फिलॉसफी की समझ नहीं आती, मैं पेपर में फिलॉसफी को कैसे लिखूंगा, ये प्रॉब्लम है. अब इसका रिएक्शन क्या है कि आप मुझे सुनते हैं, आप इधर उधर गूगल करते हैं, फिलॉसफी को समझते हैं. फिलॉसफी ये जो डिजिटल बुक है जिसमें पूरी किताब हमने पूरा कोर्स एक एक लफ्ज पे बातें की है, आप उसको सुनते हैं, तो ये आपका मेथड, आपका रिएक्शन है. और आखिर में फिर जब आप एग्जाम में जाते हैं, आप लिखते हैं, पास हो जाते हैं, तो वो उसका सोल्यूशन आ गया. तो प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन, ये इसका सिंपल सिंप्लीफाइड वर्जन है. जो टेक्निकल हीगल ने अल्फाज यूज किए हैं वो है थ्री वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट नेगेटिव कॉन्क्रीट. एब्स्ट्रैक्ट हीगल के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है, ये तो सिंप्लीफाइड या अप्लाइड वर्जन है, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन. और जो एग्जैक्ट उसके वर्ड्स है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नेगेटिव कॉन्क्रीट. पहली चीज एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट हवा में बस आइडियाज, कोई क्लियर क्लियरिटी नहीं होती कॉन्क्रीट, वैसे हवा में एब्स्ट्रैक्ट हमारे ख्याल होता है कि जी मैंने सीएसएस करना है, मैंने पीएमएस करना है, मैंने फिलॉसफी पढ़ना है. तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है. एब्स्ट्रैक्ट मींस नॉन कॉन्क्रीट, नॉट सॉलिड, सॉलिड नहीं है. उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव फीलिंग आती है आपको, रिएक्शन आपका नेगेटिव, एंटीथीसिस, मुश्किल है, नहीं होता, मुझसे नहीं होगा, ये कैसी बात है, ये वो सारा नेगेटिविटी.
जहर आ जाता है उस चीज के खिलाफ। आखिर में फिर आप कंक्रीट एक रियल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो मेथडोलॉजी है, इसको फिर कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने अप्लाई किया डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पे, जिसको हम ऑन्टोलॉजी में नेक्स्ट मंथ पढ़ेंगे। ऑन्टोलॉजी मटेरियलिज्म, लेकिन जो कार्ल मार्क्स का मटेरियलिज्म है उसको कहते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इसका एक अप्लाइड फॉर्म जो है डायलेक्टिक मेथड का, वो क्या है? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। हीगल ने इसको आइडियाज के तहत या फिलॉसफी तक महदूद किया था, डिस्कशन तक, डिबेट, डिस्कोर्स, आर्ग्यूमेंट्स, ट्रुथ। कार्ल मार्क्स ने इसको उठाया और उसको अप्लाई किया किस पे? मटेरियलिज्म पे, रियल वर्ल्ड सिचुएशंस पे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बुर्जुआ, प्रोलेटेरियाट के गरीब लोग, जिसको प्रोलेटेरियाट कहते हैं, प्रोलेटेरियाट, इसको बाद में पढ़ेंगे हम, और मालदार लोग जिनको बोर्जुआ कहते हैं। तो रिच पुअर, मालदार लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, उसको हम रिएक्ट करते हैं, यार ये बंदा मालदार क्यों है, ये मजदूर के खिलाफ क्यों है। और फिर उसका जो सिंथेसिस आता है, जो आखिरी सोल्यूशन आता है कंक्रीट, वो कम्युनिज्म बन जाता है। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है, अमीर और गरीब की जो लड़ाई है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो रिएक्शन है, जो एंटाइथीसिस है, उसका सोल्यूशन फिर कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म की शक्ल में निकाला। तो कार्ल मार्क्स ने ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी का मतलब तो वो तो माइंड में होती है, फिलॉसफी का बाहर दुनिया के साथ ऐसा सच काम नहीं होता, लेकिन कार्ल मार्क्स का ये ख्याल था कि दुनिया को चेंज करना चाहिए। फिलॉसफी सिर्फ बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है। तो उसने इसी डायलेक्टिक्स को अप्लाई किया रियल लाइफ सिचुएशंस पे, तो उससे फिर कम्युनिज्म बन गया और उसका जो मेथडोलॉजी थी दैट वाज कॉल्ड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। सोक्रेटिक मेथड जो है वो बेसिकली एलेंकस है, ELENCHUS, एलेंकस। एलेंकस का मतलब है रिफ्यूटेशन या स्क्रूटनी। वो डिस्ट्रक्टिव होती है, फॉल्स बिलीफ को वो एक्सपोज करती है, फिर वो कंस्ट्रक्टिव हो जाती है और हम ट्रुथ पे पहुंच जाते हैं। और उसका जो, उसमें जो चीज यूज होती है उसको एंटी मीम्स कहते हैं, ENTHY MEMES। इसको विकिपीडिया में या गूगल में देखे, ENTHY MEMES, एंटी मीम्स। मसलन सॉक्रेटिस एक बंदे से पूछते हैं, व्हाट इज पाइटी, पाइटी क्या है, नीकी क्या है? वो कहते हैं, व्हेन यू हैव द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स, सो दैट इज पाइटी। कि जब आप गॉड्स, उस वक्त ज्यादा गॉड्स का कंसेप्ट था, कि जब आप गॉड्स का रहम है, बरकत है, तो फिर आप, ये पाइटी है। तो सॉक्रेटिस उसको कहता है कि यार ये तो मुख्तलिफ किस्म के गॉड्स है, और गॉड जो है कभी एंग्री होता है तो कभी जो है वो खुश होता है, हमें क्या पता चलेगा कि वो एंग्री वाला गॉड है कि हैप्पी गॉड है, कहार वाला है, जबार वाला है, रहीम है, करीम है। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गई, हमें क्या पता चलेगा, या हमें किसने बताया कि ये गॉड से की तरफ से आया है? तो वो जो है
डिस्ट्रक्टिव फॉल्स बिलीफ एक्सपोज करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके जो गलत किस्म का नतीजा है तो उसको वो गलत किस्म का अकीदा जो है उसको रिजेक्ट कर लेता है सॉक्रेटिस, और आखिर में फिर वो ट्रुथ पे पहुंच जाते हैं कि भाई ट्रुथ क्या है। तो सॉक्रेटिक मेथड का जो सोफेस्टिकेटेड फॉर्म है, जिसको थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की शक्ल में आ गया, जो माइनर लॉजिक बन गया, माइनर लॉजिक, डायलेक्टिक जो है ये माइनर लॉजिक है, ये छोटा लॉजिक है, और इसको फिर कार्ल मार्क्स ने अप्लाई किया डायलेक्टिक मटीरियलिज्म की शक्ल में, जिसका प्रोडक्ट कम्युनिज्म निकला। तो सोक्रेटिक मेथड और डायलेक्टिक जो है ये मिलते जुलते हैं, लेकिन ये ज्यादा उसका सोफेस्टिकेटेड एडवांस्ड मॉडर्न फॉर्म है सोक्रेटिक मेथड का। और सोक्रेटिक मेथड का जो पर्पज होता था वो टीचिंग होता था, लोगों को टीच करना। डायलेक्टिक मेथड का जो मेन मकसद है तो फिर वो लॉजिक है, टू एस्टेब्लिश ट्रुथ है, रीजन्ड आर्ग्यूमेंट है, और प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन है, एब्स्ट्रैक्ट नेगेटिव कॉन्क्रीट है, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस है। सो इफ यू अंडरस्टैंड डायलेक्टिक मेथड एंड यू अंडरस्टैंड हीगल, सो यू कैन राइट इन दिस लैंग्वेज दैट आई टोल्ड यू इन एग्जामिनेशन हॉल, एंड देन यू विल बी गेटिंग मार्क्स। सो वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर दीज टॉपिक्स एज वेल एज ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी इन और नेक्स्ट मंथ कोर्स। ऑल द बेस्ट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन सेफ टू।